सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतिकृत्याः शिवो तं नमामि गजाननम्। जय श्री राम। जय श्री राम। आज भी बंधुओं, इस राम नवमी के अवसर पर आज फरीदाबाद की जो यह सभा होने जा रही है वो इस्लामाबाद को दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ गीता की। लोग घबराना, मैं संविधान के दायरे में बात करता हूँ, मैं किसी के एंटी बात नहीं करता हूँ, लेकिन आत्मरक्षा के लिए मैं तैयार हूँ और अपने लोगों को तैयार करना हमारा धर्म है। मुझे आप जानते होंगे, मुझे लोग तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। राम मंदिर की जो सबसे अंतिम और बड़ी लड़ाई थी वो हमने लड़ा और जीता। और लोग जाने न जाने लेकिन 56 घंटियों के जिहादी हमको जरूर जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, स्वधर्मे निधरम श्रेया पर धर्मो भयावहा। आज हम गीता पर चर्चा करेंगे। हम किसी के विपरीत बात नहीं करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि आत्मरक्षा आत्मरक्षा सबको करना चाहिए, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, एक ही धर्म है दुनिया में, सनातन धर्म, बाकी कोई धर्म नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। और अन्य जो मजहब पंथ के लोग हैं वो भी जानते हैं कि धर्म एक ही है, सनातन धर्म। और बीच अर्वाचीन में कुछ मजहब और पंथ आए, हमें उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। मैं एक चीज बता रहा हूं, आज तक हमने, हमारे सनातनियों ने किसी अन्य धर्मावलंबी का धर्मांतरण नहीं कराया है। एक भी उदाहरण कोई नहीं दे सकता है। अब कोई कह दे कि ऐसा नहीं हुआ, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। जिनके पूर्वज हिंदू थे, अगर उनको षड्यंत्र के तहत जो है उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है या लोभ लालच दे करके, और अगर अपनी इच्छा से अपने मूल धर्म में घर वापसी करना चाहते हैं तो उनका हमने स्वागत किया है और हम सब स्वागत करेंगे। मैं कहने जा रहा हूं कि आप जानते होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को थोड़ा सा रहेगा। 40 दिन तक मुगलों ने तड़पाया, कहे कि इस्लाम कबूल करके तुम मुसलमान बन जाओ। उन्होंने कहा मैं सनातन धर्म नहीं छोड़ूंगा। इतना उनको प्रताड़ना दी गई कि बोटी बोटी काट के फेंक दिए, लेकिन वो अपना धर्म नहीं छोड़े। गुरु गोविंद सिंह के नन्हे मुन्ने दो बच्चों को मुसलमानों ने कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ, कहे मुसलमान नहीं बनेंगे, कहे जिंदा दीवार में छुड़ा दूंगा, कहे मरना स्वीकार है लेकिन धर्म नहीं छोड़ूंगा। उनको जिंदा दीवार में छुड़ा दिया गया, लेकिन वो सनातन धर्म नहीं छोड़े। ऐसा कोई एक भी उदाहरण नहीं दे सकता है कोई ईसाई या मुल्ला कि हम लोगों ने किसी को जबरदस्ती हिंदू में ले आया हो। मैं आज बात कर रहा हूं कि जो हमारे सनातनी हिंदू थे, जिनको मुगल काल में या किसी कारण से लोभ लालच देकर के या प्रताड़ित करके जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया है, चाहे उनको इस्लाम कबूल कराया गया हो, चाहे उनको जो है ईसाई बनाया गया हो, अगर वो अपने मूल धर्म में घर वापसी करते हैं तो उनका अधिकार है और हम उनका स्वागत करेंगे। आत्मीय बंधुओं, जो मुसलमान जन्नत के लिए तरसते हैं, मैं आज आपके मन से बता रहा हूं, जिनके पूर्वज हिंदू थे, जिनको प्रताड़ित करके इस्लाम कबूल कराया गया, मुसलमान बनाया गया, जिस दिन वो घर वापसी कर लेंगे जन्नत उनके चरण के नीचे आ जाएगी। जिस जन्नत के लिए मुल्ला तरसता है पूरे दुनिया का, जो हमारे हिंदू किसी कारण से मुसलमान बन गए, फिर सुन लीजिए, जिस दिन आप अपने मूल धर्म में, जहां आप थे, आपके पूर्वज थे, आप अपने मूल धर्म में, सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे तो वही जन्नत आपके चरण के नीचे आ जाएगी जिसके जिसके लिए मुल्ला तरसेगा।
कर्तव्य है, और जो अपने धर्म को छोड़ करके कहीं इधर उधर चले गए हैं, जिस दिन वो अपने मूल धर्म में आ जाएंगे उस दिन वो परम पवित्र हो जाएंगे, सारा उनका अपराध खत्म हो जाएगा, सारा पाप खत्म हो जाएगा। और उनको आज से हम टाइटल दे रहे हैं सनातनी। जो लोग ईसाई या मुसलमान बन गए हैं किसी कारण से, जब वो घर वापसी करेंगे वो अपने नाम के आगे राम कृष्ण हनुमान देवी देवताओं के नाम पर अपना नाम रख ले और अपने नाम के आगे सनातनी लिख ले, और सनातनी सनातनी में शादी विवाह करें। हमारे यहाँ गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, जब सब मिलती है तो संगम हो जाता है। इसलिए जो इंटर कास्ट है शादी कर रहे हैं या जो घर वापसी कर रहे हैं वो अपने नाम के आगे सनातनी लिखें, आपका सम्मान सर्वोपरि रहेगा। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। क्यों? क्योंकि हम अहिंसावादी लोग हैं, हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं।